मुंद्रा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दो, घंटा दबा दो, नोटिफिकेशन आते रहेंगे आपके पास। और ऐसे प्यार दो भाई को भी जैसे मेरे को करते हो। तो ये बोर्डिंग पास है, इसमें ना अगर हम ऊपर जितने का भी मतलब 1000 रुपए का खाना खाएंगे तो इससे, जैसा कि यहाँ मुरथल अड्डे में आए थे तो यहाँ पे शिवम भाई मिला है हमें। ये चीज बड़ी सही लगी भाई, ये देखें छोटी छोटी मछलियां हैं, जैसे कि दोस्तों मैं मंजीत मुंद्रा, आशा करता हूँ आप सब अपनी जगह ठीक ठाक होंगे। आज मैं देखिए आपको कहाँ पे लेके आया हूँ, मुरथल अड्डा। और ये मुरथल में यहाँ पे नया एयरपोर्ट बन गया है। आप सोच रहे होगे बना है नहीं बना है, मगर यहाँ पे नहीं बना है दोस्तों। ये है फेमस यहाँ का मुरथल अड्डे का रेस्टोरेंट, जो अभी यहाँ पे अंदर हम चलेंगे। यहाँ पे क्या है, 2 एरोप्लेन लगा रखे हैं मेरे पीछे, आप देख भी सकते हैं ये एरोप्लेन लगा रखे हैं। इन्हीं के अंदर डाइनिंग का वो खाने पीने का मतलब जो भी है खाने का अंदर बना रखे हैं, और काफी फेमस है और बिल्कुल नेशनल हाईवे पे ही है। जैसे आप सोनीपत से निकलेंगे सिर्फ 10-12 किलोमीटर दूर है ये, आप आराम से आ सकते हैं, टोल टैक्स से पहले है। तो आपको यहाँ पे ना पार्किंग तो फ्री है, चाहे आप कार लाए, बाइक लाए, कुछ भी लाए, वो चीज फ्री है। पार्किंग का आपका यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा। और ये बड़ा सा बोर्ड आपको हाईवे से साफ नजर आ जाएगा। और बिल्कुल ये देखिए, इसी के साइड में ये 2 प्लेन बना रखे हैं बड़े बड़े। देखिए किस तरह से मतलब खाना खाना है ना तो अंदर एरोप्लेन के अंदर जाया जाता है। और ये स्टार्टिंग पे बिल्कुल यहाँ पे सेल्फी स्टिक का है। ये देखिए भाई, ये ना यहाँ से मतलब एंट्री होती है। यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को ये पायलट ही दिख गए हैं, जैसा कि जहाज है तो पायलट साहब मिल ही गए हैं मेरे को। वेलकम टू हवाई अड्डा। अच्छा एक बार सर हवाई अड्डे के बारे में मेरे को बता दें कि यहाँ पे जैसे ऊपर बता रहे हैं कि जैसे वो जहाज दोस्तों आपको दिख भी रहा होगा, जहाज में अगर जाएंगे तो कुछ अलग से चार्जेस लगेंगे या नहीं? क्या कोई अलग से चार्जेस नहीं है, ये एक बोर्डिंग टिकट काउंटर है। अच्छा, इससे आपका 200 का एक पास है, ये आपके बिल में ही लेस हो जाएगा। अच्छा बिल में ही लेस हो जाएगा अपने? यस सर, ये बिल में ही लेस हो जाएगा। ये देख लें, ये है बोर्डिंग पास अपना। जी सर, तो ये बोर्डिंग पास है, इसमें ना अगर हम ऊपर जितने का भी मतलब 1000 रुपए का खाना खाएंगे तो इससे 200 रुपए लेस हो जाएगा अपना। तो मैं सोच रहा था 200 रुपए कुछ एक्स्ट्रा लेंगे ये, मगर 200 रुपए लेस हो जाएगा, तो फायदा ये एक किस्म से। तो यहाँ पे भी आना बनता है, तो अभी चलेंगे ऊपर की तरफ और पायलट साहब से तो मिल ही लिए हैं। ऐसा तो कुछ नहीं, क्रैश व्रैश हो जाएगा ऊपर? नहीं नहीं। अच्छा क्रैश व्रैश नहीं होगा, अपना नाम लिखाते हैं और चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे ऊपर आते ही सबसे पहले यहाँ पे सोफा सेटिंग कर रखा है, फिर उसके बाद ये डीजे का मतलब डीजे डांस वो सारी चीजें भी हो सकती हैं। और ये यहाँ पे 2 बना रखे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये चीज बड़ी सही लगी भाई, ये देखें छोटी छोटी मछलियां हैं, जैसे कि पेडिक्योर होता है ना, ये पेडिक्योर का है भाई। अच्छा अच्छा, तो इसके अंदर अपनी टांगे डाले, ये अपने आप सफाई कर देंगे बढ़िया सी। और प्राइसेस ये लिखे ही हुए हैं इसके, फिश स्पा बोलते हैं इसे। तो इस तरह से ये अपना स्पा करवा सकते हैं, रिलैक्स रह सकते हैं बिल्कुल। यहाँ है ना तो रिलैक्स हो गया, अंदर जाना चाहिए। और बाकी ये बना रखे हैं इन्होंने रिलैक्स मसाज वसाज वाले, इन पे भी बैठने में बड़ा मजा आएगा। और यहाँ से ये देखिए, ये बना रखा है इन्होंने एंट्री का, यहाँ पे ये देखिए जैसे कि एरोप्लेन में एंट्री होती है ना बिल्कुल सेम वैसे ही। और सिर्फ यहाँ पे मतलब पायलट ड्रेस पहना रखी है। और यहाँ पे मेन्यू में क्या क्या मिलता है वो देख ले भाई। ये इस तरह से यहाँ पिज्जा मिलते हैं, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन में, आपको बिल्कुल साफ दिख भी रहा होगा। और ये कॉन्टिनेंटल स्टार्टर्स ये भी दिख रहे होंगे, चाइनीज स्टार्टर्स ये भी दिख रहे होंगे। और इस तरह से चाइनीज राइस नूडल्स, चाइनीज जो भी चीजें हैं वो सारी मिल रही होंगी यहाँ पे। ये देखिए नूडल्स, कोई इस चीज का मतलब स्क्रीनशॉट ले लें, ये प्राइसेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। और साथ ही साथ ये देखिए मेन कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। मेन कोर्स में क्या क्या मिलेगा, थाली भी सिस्टम आपको मिल जाएगा, अगर थाली लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएगी। भीड़ तो यहाँ पे काफ़ी मिलती है, मगर कोई नहीं, आराम से सीटिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे आपका खाना मतलब जो भी आप ऑर्डर करेंगे ना वो लगभग 15-20 मिनट में आएगा आराम से। खाना तो डेली खाते ही हैं, रोटी दाल चावल वो तो सारी चीज़ें खाती हैं, मगर ये चीज़ें डेली तो होती नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आए थे। तो ये चीज़ें एक बार ट्राई कर लेते हैं, वेज मंचूरियन मंगवाया है और दूसरा पिज्ज़ा मंगवाया है। चीज़ तो बिल्कुल इसमें भर रखी है, दिख रही है ना, भर रखी है भाई चीज़ तो बिल्कुल दबा के। और खाते हैं, मेरे को टेस्टी लग रहा है, करता हूँ इसे जल्दी से ख़त्म। पिज्ज़ा तो हो गया दोस्तों ख़त्म,
पिज़्ज़ा का क्या है, बिल्कुल सिंपल देते हैं, मतलब मसाले वसाले उसमें ज़्यादा होते नहीं, बिल्कुल सिंपल होता है। मगर आप अपने ये जो भी होते हैं मिर्ची जो भी ऑर्गेन्जा ये डालने होते हैं ना, तो वो डाल के आप अपने लिए स्पाइसी पिज़्ज़ा क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे खुद ये देते हैं, सिंपल, देखने में भी अच्छा था, खाने में भी अच्छा था, तो इस हिसाब से ठीक है। मतलब जैसा औरों में मिलता है वैसा ही यहाँ पे, मगर साफ़ सफाई का अच्छा ध्यान रखा हुआ है। और दूसरा है दोस्तों ये, अभी ये मंगवाए थे वेज मंचूरियन, जो कि ये भी एक बार ट्राई करना तो बनता ही है, ट्राई करके बताता हूँ ये कैसे है। ये क्रिस्पी सी है, जैसी और जगह मिलती है वैसे ही यहाँ पे मिली है। तो मेन मेरे को यहाँ पे ये लगा ना, जो कि यहाँ पे यूनिक थीम बना रखी है एरोप्लेन की, उसी को देखने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं सभी। खाना सफाई वाला मिलेगा, हल्का मिलेगा, लाइट मिलेगा, विदाउट स्पाइसेस मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है मेन चीज़ वो मैंने आपको बता दी। जैसा कि आपको बताया था ना, बोर्डिंग पास से 200 रुपये लेस हो जाएंगे, जो नीचे बोर्डिंग पास मिला था उससे 200 रुपये लेस हो जाते हैं। ये देखिए बिल आया था 918 का, मगर इसमें से लेस करके पेमेंट हुई है 200 रुपये लेस की। तो बोर्डिंग पास ज़रूर लेना भाई, 200 रुपये लेस हो जाते हैं। तो ये नहीं है कि 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 200 रुपये लेस हो जाएंगे। दिखा देता हूँ, आपने ना शिवम भाई की वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी फनी वीडियोस बनाता है। तो ये देखें शिवम भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, जैसा कि यहाँ मुरसल अड्डे में आए थे तो यहाँ पे शिवम भाई मिला है हमें। बहुत अच्छी वीडियो बनाते भाई आप। तो ये देखो भाई भी यहाँ पे लंच के लिए आए हुए थे। अभी आप कहाँ जा रहे हो दिल्ली से? अभी आए हैं दिल्ली से, तो मतलब बहादुरगढ़ से आया। अच्छा अच्छा, तो सही है भाई, भाई से मिले मेरे को तो अच्छा लगा। तो किसी ने पहचान लिया, मैं भी भाई की वीडियोस देखता था, मगर जैसे भाई को देखा तो मैंने सोचा चलो एक क्लिप तो भाई के साथ ले ही लेते हैं। ठीक है भाई, अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके भाई, ये देख लो भाई, हम तो मिल लिए अपना इस तरह से, जैसा कि वीडियोस में दिखता है ना। बाकी सिंपल लिविंग ही होती है सबकी, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही हटके ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल लिविंग चलती है सबकी। तो 50 रुपीज में आप यहाँ पे कैमल राइड कर सकते हैं। और सामने वो देखिए, अभी सामने डीजे लगा हुआ है, वो देख सकते हैं दोस्तों, हवाई अड्डा मुरथल। तो भाई यहाँ पे अभी मैं निकलते निकलते ना क्या बताऊँ, बस शिवम भाई फिर दिख गए, तो मैं तो दोबारा शिवम भाई से आ ही गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनके मतलब सब्सक्राइबर वीडियोज़ इनकी भाई की बहुत ही ज़्यादा चलती हैं। तो ये चीज़ देखना तो बनता ही था, मतलब ऐसा बार बार मौका तो मिलता ही नहीं, तो इसलिए मैं शिवम भाई से फिर से मिलने आ गया भाई आपसे। सर बड़ा कुछ मैटर नहीं करते, वो ये बस प्यार करते हो आप लोग और कुछ नहीं। तो ये तो भाई जैसा कि वीडियो में देखते हैं ना, इतने मिलियन फॉलोवर होने के बाद कई हवा में भी हो जाते हैं, मगर मेरे को तो डाउन टू अर्थ लगे बिल्कुल ही भाई। मिला करो यार सारे, आप भी मिला करो, जो जिसको जी करा मिला करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देख लो भाई, शिवम का मतलब बिल्कुल दिलदार बंदा है, जैसा कि वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। सुंदरा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दो, घंटा दबा दो, नोटिफिकेशन आती रहेंगे आपके पास। और ऐसे प्यार दो भाई को भी जैसे मेरे को करते हो। अगर मेरे को नहीं जानते तो मेरे चैनल पे जाओ, दा शिवम नाम है मेरे चैनल का, लिखते ही आएगा भाई ऊपर, बाकी डिस्क्रिप्शन में डाल देना आप। ठीक है दोस्तों, वीडियो को मेरे कहने से नहीं भाई के कहने से जरूर कर दो, भाई कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सारी वीडियो देखो, शेयर करो, मजे लो सारे। ठीक है, जैसा कि हवाई अड्डा मुरथल इसे कहते हैं, तो ये मैंने पूरा आपको दिखा दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे प्राइसेस जो भी थे मैंने आपको मेन्यू में दिखा दिए हैं। और ठीक है, मतलब खाना आपको अगर सिंपल खाना है ना विदाउट स्पाइसेस, तो यहाँ पे मिल जाएगा, वो आप आके खा सकते हैं, बिल्कुल हाईवे पे ही है। और वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।